Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Today's vlog is about my travel journey towards my Canada. Canada mein basically meri ammi aayi hui hain aur aaj jo hai wo hum unko milne ja rahe hain mere ghar se taqreeban अगर कंटिन्यूस ड्राइव करें तो 6 hours और 30 minutes की ड्राइव बनती है, लेकिन हम रास्ते में रुक के जाएंगे तो ये प्रॉबली हमें लगेंगे तकरीबन 7.5 घंटे, तकरीबन 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लें, 7 घंटे और 30 मिनट लग जाएंगे। अभी हम घर से तो निकल आए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर डंकन पे आए हैं। यहाँ से कोई कॉफ़ी शॉफ़ी लेंगे, कुछ खाएँ पियेंगे। इस वक्त आफ्टरनून का टाइम है। हमें यहाँ पर रास्ते में मेरी शरीक हयात, उनको यहाँ पर काम भी है अपने अम्मी के घर में, बेसिकली उन्होंने वहाँ पे भी जाना, तो हम भी उसी एरिया में हैं, तो वहाँ से उनको काम कराएंगे, जो उनका काम होगा वो करेंगे और फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे। और एक आपको एक और चीज़ बतानी थी, आज हमारे हमने एक नया कैमरे की एडिशन की है। हमने नया कैमरा अपने व्लॉग की करियर में जो हमने अभी शुरू किया है उसमें एडिशन किया है, और वो है जनाब एक अदद GoPro। सो हमें ये GoPro मिल गया है। हम आज आपको, आज के व्लॉग में हम आपको इस GoPro के बारे में भी बताएंगे। और एक और मज़े की बात ये है कि मेरे आज के व्लॉग में मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, तो ये उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा। देखते हैं उनका क्या मूड बनेगा। सफ़र के दौरान हम यहाँ पर वॉलमार्ट में रुके हैं और हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है। लेने हम यहाँ पर आहद का सिर्फ दूध आए थे क्योंकि हमें रास्ते के लिए चाहिए था, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है। यहाँ से हमने यहाँ साथ घर के पहनने वाले जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं, और कुछ थोड़ा सा हमने मेरे बांजी राफे के लिए भी ले लिया। और अभी हम चेकआउट पे जा रहे हैं। वॉलमार्ट जो स्टोर है, ये जो स्टोर है, मैं आया हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये जो स्टोर है वॉलमार्ट, ये इस पर ये होल सेल में भी आप कह सकते हैं और इसको वैसे भी कह सकते हैं। इस स्टोर के अंदर से आपको हर चीज़ मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, लेडीज़ की ज्वेलरी मिल जाती है, मेकअप मिल जाते हैं, ग्रोसरीज़ आपको मिल जाती हैं जैसे कि फूड्स और हर किस्म की ग्रोसरी, टॉयज़, मोबाइल एक्सेसरीज, टीवीज, पेपर्स एंड क्लीनिंग स्टाफ, मेंस के क्लोथ मिल जाएंगे, लेडीज़ वेयर टेयर मिल जाएंगी, सारी कुछ जो हर चीज़ है ना वो आपको मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल एक इसका ब्लॉग करेंगे हम इसके बारे में, और आपको बताएंगे कि मतलब जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको पूरा मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे स्टोर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं और किस तरह। ये जो स्टोर है बेसिकली स्पेसिफिक वॉलमार्ट जो है, ये बेसिकली पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, ठीक है। ये मल्टी पर्पज़ स्टोर है, इसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग, बेकरी है, मोबाइल एक्सेसरीज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट नेम द थिंग एंड यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। एंड और यहाँ से आपको जो चीज़ मिलेगी वो चीप प्राइस। शॉपिंग के बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है। तकरीबन हमें 6 घंटे और 30 मिनट लगेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अभी हम 17 पे हैं, तकरीबन 100 से 125 मील यानी कि 100-125 माइल जो है वो मैं इसी रोड पे कंटिन्यू करूँगा। पहले मेरा प्लान था कि हम यहाँ से 84 ले लेते, एक और हाईवे है और वहाँ से आगे 81 लेते, लेकिन वो अब मैंने प्लान रहने दिया क्योंकि ज़रा ये रोड बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इस वक्त दिन का टाइम भी, आपको थोड़ा सा इसकी रास्ते की खूबसूरती भी दिखाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा टाइमली पहुँच गए और थोड़ा सा दिन का थोड़ा सा रोशनी हुई अगर, तो आपको आज आपको फिर मैं नायग्रा फॉल्स भी इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा अगर हम थोड़े से दिन के टाइम में पहुँच गए। आई ट्राई माई बेस्ट टू
give you a look of Niagara Falls. चलें अभी रास्ते में आपको गाने भी थोड़े से सुनवाएंगे, थोड़े से नुसरत के, थोड़े से दिलजीत के, थोड़े से पंजाबी गाने, और साथ में आपको जो है आपको हम व्यूज भी दिखाएंगे. आपने पाकिस्तान के व्यूज देखे हुए हैं नरान तूफान के, अगर आप आपको अमेरिका के नरान तूफान की थोड़ी सी व्यूज हम दिखाएंगे. हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में गैस भी रिफिल करना था, और तकरीबन हमने 17 क्रॉस कर ली, तकरीबन 150 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने कर ली है कवर. अभी हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर वो आहद का पेट्रोल वगैरह उसकी मामा चेंज करेगी, वॉशरूम वगैरह अगर यूज़ करें तो करेंगे हम, उसके बाद अगला सफ़र शुरू करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात होना शुरू हो गई है, तो अभी ये बहुत ही अच्छे जगह पे हूँ मैं इस वक्त, बहुत ही प्यारा व्यू है, साइड में वैली टाइप ये बनी हुई है, इर्द गिर्द जो हैं वो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है बहुत खूबसूरत. वेदर थोड़ा सा चिली है आज यहाँ पर, लेकिन इट्स नाइस and we are enjoying our trip. सब्वे से आप कुछ खास तो नहीं खा सकते, लेकिन आप वेजी पैटी खा सकते हैं, वेजी पैटी बर्गर का अच्छा होता है, आप वो खा सकते हैं. डंकन भी इसी के अंदर है, छोटा सा सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, और ये एक मिनी मॉल सा बना हुआ है. और मज़े की बात यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि हमारे वहाँ पर मोटरवेज और के ऊपर जो रेस्ट एरिया आते हैं, जैसे वहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगी. यहाँ पर इसकी प्राइस जो होगी बिल्कुल ठीक होगी, नॉर्मल प्राइस होगी, एक्सपेंसिव नहीं होगा. अच्छा चलो बस करो, दे दो के 12:30 बज रहे हैं. हम कनाडा पहुंच चुके हैं, अम्मी को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अभी मेरा बेटा जो है वो अंदर चला गया, तो उनको पता लग जाएगा कि अभी मैं पहुंच गया हूँ. चलें फिर भी देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ. लेट्स सी द रिएक्शन. सो ड्रामेटिक. बस
ਸਵੀਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ।